अब आती है फोर्थ मोलैरिटी, इस पे बहुत कुछ डिस्कस करना है मुझे। मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी को हम फोर्थ होती है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, या हम इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। अब ये मोल क्या बला होती है? देखो, मोल होता है मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में होता है मोलर मास, सिंपल है। तो जो मोल होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते वॉल्यूम के साथ। अगर तुम सोच रहे हो कि मोल चेंज होते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, 2 ग्राम ग्लूकोज ले रहा हूं, ठीक है, 2 ग्राम ग्लूकोज ले रहा हूं, 100 ml सॉल्यूशन है, और यहां पे भी मैंने क्या लिया, 2 ग्राम ग्लूकोज लिया और 100 ml सॉल्यूशन लिया, 200 ml सॉल्यूशन लिया। तो जो मोल होते हैं वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मोल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वॉल्यूम चेंज करते जाओगे, अगर तुमने अमाउंट ही चेंज कर दी, 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम ले दिया, 5 ग्राम ले दिया, 6 ग्राम ले दिया, अगर तुमने अमाउंट ही चेंज कर दी तो ये मोल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज मोल चेंज नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही आगे आपको हेल्प करेगी बात, ठीक है। मोल की दूसरी बात होती है कि हमेशा वॉल्यूम हमारा लीटर में ही होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं कि वॉल्यूम लीटर में ना देके कभी सेंटीमीटर क्यूब में दे देते हैं, कभी डेसीमीटर क्यूब में दे देते हैं, कभी मीटर क्यूब में दे देते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, लीटर का यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू होते हैं 1000 ml और इज इक्वल टू होता है 1 dm³, इज इक्वल टू होता है 10³ cm³, इज इक्वल टू होता है 10⁻³ m³। बस ये लाइन याद रखनी है, देख लो सारे यूनिट कन्वर्जन हो जाएंगे। तो हमें ये पता लगा कि जो 1 ml इक्वल टू होता है वो 1 cm के इक्वल होता है, 1 cm³ के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमें 1 लीटर को रिप्रेजेंट करना है तो कितना हो जाएगा, 10³ cm³। ऐसे ही जो 1 dm³ होता है वो 10 cm³ के इक्वल होगा, या मैं कह सकता हूं कि जो 1 dm होता है वो 10 cm के इक्वल होता है। सिंपल सा है कि अब तुम्हें चाहे वॉल्यूम किसी में भी दे, अब तुम्हें यूनिट कन्वर्जन आ चुका है। डेसीमीटर में देता है तो 1 dm इक्वल टू 1 लीटर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आगी। सेंटीमीटर की क्यूब में देता है तो सेंटीमीटर क्यूब में आपको लीटर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10³ cm³ और 10⁻³ m³ होता है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम किस में दे रखा है, लेकिन आपको मोलैरिटी में हमेशा किस में पुट करना है, लीटर में पुट करना है, या मैं कहूं कि डेसीमीटर क्यूब में पुट करना है। तो यूनिट कभी कभी तुम्हें ऐसे भी मिलती है कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो कभी भी कंसंट्रेशन के टर्म में मोलैरिटी किसी फॉर्म में पूछे तो वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही रखना है, ठीक है। चीजें तो एक एक चीजें कंसेप्ट करते जा रहे हैं। दूसरा ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्वियसली बात है, यस। क्यों क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि जब हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट का, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज और इंक्रीज होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो हाँ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब डिक्रीज हो जाएगा तो मोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाती है।
तो PV is equal to nRT, तो volume is directly proportional to temperature, temperature increase करेंगे तो volume कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेचर के ऊपर क्या मोलैरिटी डिपेंड करती है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मोलैरिटी से क्वेश्चन पूछे जाए तो हर टाइप के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं और जितने मुझे पता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि वो किस तरीके का पूछना चाह रहा है, क्या उसने दे रखा है। सिंपल सा केस फर्स्ट, अगर वो डायरेक्ट तुम्हें बोल दे, कोई ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज की कोई कंसीडर कर रहा हूँ, कोई भी मास हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, MgCO3 हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट हो सकता है, कि उसने ग्लूकोज दिया या कुछ भी दिया, 10 ग्राम दिया और आपको बोल दिया कि इनको मिला के हमने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 100 ml, तो मुझे बताओ मोलैरिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का एटॉमिक मास होता है 180 ग्राम पर मोल। तो सिंपल सी बात है, जब मोलैरिटी निकालनी है तो क्या करोगे, 10 अपॉन में 180 इंटू कितना ml दे रखा है, 100 ml। लेकिन ये दे किस में रखा है, 100 ml में। अब 100 ml में दे रखा है तो हमें इसे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर क्या कर दोगे, 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि जब तुम ml को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे ml को कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 लीटर करना पड़ेगा, 10^3 ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट चला जाएगा। या कभी कभी यहाँ पे ml ना लिख के 100 cm³ लिखा होता है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। 1 ml इज इक्वल टू 1 cm होता है, इस बात को ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या देगा, आपको बोल देगा कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोस, ठीक है, और जो ग्लूकोस है वो 10% है, ओके, और जो इसका सॉल्यूशन है, जो इनका सॉल्यूशन बनके बनता है, ग्लूकोस का सॉल्यूशन है, जो ग्लूकोस की वेट बाय वेट परसेंटेज है वो कितनी है, 10%। ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बता रहा मैं, चीजें बहुत लंबी हो जाएगी, पहले क्वेश्चन बोलूंगा उसके बाद तुम लिखोगे फिर मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, नहीं, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि अगर इस टाइप की चीजें क्वेश्चन में मिलती है हाउ विल यू अप्रोच दैट क्वेश्चन। सिंपल बात है, तो सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन की तुम्हें क्या दे देगा, डेंसिटी दे देगा, कि बोल दे कि डेंसिटी 1.2 ग्राम पर लीटर होगी या ml होगी, इसकी इतनी डेंसिटी है। अब तुमसे क्या पूछेगा कि मुझे बताओ मोलैरिटी क्या होगी, तो मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल सी बात है, एक तो तुम्हें क्या चाहिए, मोल चाहिए, और दूसरा तुम्हें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब तुम्हारे पास मोल तो है, अब 10% का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम इसमें क्या है, ग्लूकोस है, तो तुम्हें पता लग गया 10 ग्राम ग्लूकोस है, 180 से डिवाइड कर दोगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे मोल। लेकिन भैया अब क्या चाहिए तुम्हें, वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए तुम यूज क्या करोगे, डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी तुम्हें पता है कितनी, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.2 ग्राम पर लीटर। अब पॉइंट ये बनता है कि हम यहां पे मास कितना पुट करें। कुछ बच्चे बड़े चालू से होते हैं, उनके ना दिमाग में जब वेट परसेंटेज बैठ गई तो एक काम, क्या काम करेंगे, 10 ग्राम तो ग्लूकोस हो गया और 90 ग्राम हमारा इसमें पानी हो गया, तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, और 90 ग्राम यहाँ पे ऊपर डाल के 1.2 ग्राम पर लीटर से डिवाइड करके और आंसर निकाल देंगे, और जो कि क्या होगा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने क्या होता है कि नीचे वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम जो होता है ये कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए हमें 100 का 100 मास कंसीडर करना पड़ेगा। जब 100 मास कंसीडर करेंगे तभी तो हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा, तो हमेशा कम डायरेक्ट सॉल्वेंट का वॉल्यूम ना हो, मास ना लिख के हम क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिए टोटल वॉल्यूम है तो 100 लिखेंगे यहां पे। या और ही सिंपल कर देता हूं, जब कभी भी वेट बाय वेट परसेंटेज से आपको मोलैरिटी पूछे, और डेंसिटी हमेशा गिवन ही होगी क्योंकि विदाउट डेंसिटी तुम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, तो हमेशा क्या करोगे, 100 बाय डेंसिटी कर दोगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 100 बाय डेंसिटी कर दोगे और तुम्हारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब डेंसिटी का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास वॉल्यूम किस फॉर्म में आ रहा है। अब वो डेंसिटी किस में दे सकता है, ग्राम पर ml में भी दे सकता है, या फिर वो डेंसिटी तुम्हें किलोग्राम पर ml में भी दे सकता है, या फिर वो डेंसिटी तुम्हें किलोग्राम पर लीटर में भी दे सकता है।
सिंपल है। अगर तुम ऊपर मास ग्राम में लिख रहे हो तो नीचे भी ग्राम में होना चाहिए, ऊपर लीटर में लिख रहे हो तो नीचे भी लीटर में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो छोटी छोटी यूनिट मिस्टेक है जो तुम करते हो, और यही यूनिट मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर देती है। आता तुम्हें सब है, लेकिन ये छोटी सी भूल। तुम्हें डेंसिटी किसमें दे रखी है? सपोज करो तुमने मास निकाला 90 ग्राम। देखो इसी क्वेश्चन में तुम क्या मिस्टेक कर सकते थे कि तुमने सॉल्यूशन का मास सपोज किया 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम, लेकिन तुम्हें जो डेंसिटी दे रखी है वो किस में दे रखी है? 1.2 केजी पर लीटर में दे रखी है। अब तुम्हें क्या काम करना है, या तो केजी को इस डेंसिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो तुम्हें मास है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 10 × 10⁻³ केजी अपॉन में क्या कर दोगे 1.2 केजी पर लीटर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये जब तक तुम गलती नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं लगेगी। तो मैं चाह रहा हूं कि तुम गलती ना ही करो। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां तुम मिस्टेक करोगे तो पहले से अपना दिमाग खुला रखो ना, क्यों गलती करनी? गलती करके सीखोगे या पहले ही सीख लो? बात समझ में आ रही है? तो लीटर, तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि लीटर में दे रखी है डेंसिटी की ml में दे रखी है। अगर नीचे ml में दे रखी है तो तुम्हारा वॉल्यूम ml में आएगा, और जब ml में आएगा तो फिर से इसको लीटर में कन्वर्ट करके 10⁻³ से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मोलैरिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा। ये कौन सा हो गया? टाइप टू, जब परसेंटेज बाई परसेंटेज से, मास परसेंटेज से तुम्हें क्वेश्चन पूछे। दूसरी बात, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन तुमने ट्वेल्थ क्लास में भी बहुत पढ़ा होगा। बच्चे बड़े फिरके लेते थे इस बात पे कि बता वाटर में क्या सोल्यूट होता है, क्या सोलवेंट होता है। अगर सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होगी? तो प्योर वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर लीटर ही होती है, या 1 ग्राम पर ml भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो 1 होती है डेंसिटी वाटर के केस में। अब तुमसे पूछी है कि बताइए मोलैरिटी प्योर वाटर की क्या होगी, और तुम्हें कुछ नहीं गिवन होगा, तो इसमें गिवन की क्या होगी? तो इस केस में, वाटर के केस में ध्यान रखिए, हमारा वाटर ही सोल्यूट की तरह बिहेव करता है और हमारा वाटर ही सोलवेंट की तरह बिहेव करता है। बात ठीक है? अब जब इसने हमसे पूछी है मोलैरिटी, ध्यान रखिए बता रहा हूं मैं, वाटर की मोलैरिटी पूछी है, तो मोलैरिटी का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर में होना चाहिए। तो वॉल्यूम 1 लीटर, हम इसको क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज कि हम क्या ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम को हमें मोलैरिटी में नीचे लीटर में लिखना है। अब 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर है तो हमारा मास कितना हो जाएगा पानी का, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू डेंसिटी इंटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर लीटर, इंटू वॉल्यूम कितना ले रखा है हमने 1 लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारा वाटर का मास कितना आया 1 kg। ये मास कहां से पता लगा, जब हमने 1 लीटर वाटर को एज्यूम करके डेंसिटी से मास निकाला। तुम्हारी मर्जी है कितना भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब प्योर फॉर्म में पूछ रहा है तो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, और स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम 1 लीटर कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, 1 kg हो गया, 1 kg का मतलब क्या हो गया कि इसमें 1000 ग्राम क्या है, वाटर का मास है। सिंपल सी बात है, अब तुम्हें वाटर का मास भी पता लग गया, वॉल्यूम तुम्हें पता है, मोलैरिटी निकालनी है प्योर फॉर्म में। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स बाई वॉल्यूम, और मोल्स निकालोगे तो मोल्स क्या होता है, मास, और मास कितना दे रखा है 1000, और वाटर के लिए मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, और अपॉन में वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 लीटर। इससे ये कैंसिल आउट करोगे तो हमारी जो मोलैरिटी आएगी, जो हमारी मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी, 55.55 मोलर आएगी। और यही हमारे ध्यान रखना है कि जो वाटर की स्टैंडर्ड मोलैरिटी होती है वो 55.55 मोलर होती है, और यही हमें यूज करनी है हर जगह, क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, हमें स्टैंडर्ड मोलैरिटी ही यूज करनी है। टीएफआर में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है,
TFR में एब्जोर्बेंस पूछी थी उसने, देखना क्वेश्चन करके तरीक बता देता हूं तुम्हें, एब्जोर्बेंस पूछी थी उसने, उसने सी वाटर की एब्जोर्बेंस पूछी थी, ए इक्वल टू ई सी एक्स, ये होता है। उसने क्या दे रखा था, ई दे रखा था और एक्स दे रखा था, ये मोलर एब्जोर्बिटी, क्या मोलर एब्जोर्बिटी दे रखा था और एक्स पाथ लेंथ दे रखी थी और तुमसे पूछी थी व्हाट इज द एब्जोर्बेंस। अब एब्जोर्बेंस के लिए तुम कंसंट्रेशन देखोगे लेकिन तुम्हें पता लगेगा कि कंसंट्रेशन तो सी वाटर की है ही नहीं, तो वहां पे भी हम 55.5 मोलर ही कंसीडर करेंगे। सिंपल बात है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही होता है जो तुमने कर रखे होते हैं, लेकिन जब तुम्हारा टाइम होता है ना करने का कि हाँ अब एग्जाम टाइम है, अब हम पूरे रेडी है करने, लेकिन उस टाइम पे तुम सब सत्यानाश कर देते हो। पता नहीं क्यों, कहाँ ध्यान रहता है, ध्यान का कुछ नहीं, तुम नर्वस रहते हो थोड़े से, तुम्हें ना अपने पे डाउट होता है कि हाँ मैं गलत कर दूंगा या सही कर दूंगा। कॉन्फिडेंट रहो ना, चीजें पहले इतनी बार पढ़ लो, इतनी तरह प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन कैसे भी आए तुम देख के मारो, सारे क्वेश्चन तुम्हारी आंखों से निकल चुके होंगे पहले ही एग्जाम से पहले, बस एग्जाम में जाके तुम्हें कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, नहीं सुपरमैन बनना है, एग्जाम ही दे के मारेंगे, फेमस होना है पहली बार में, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ही तैयारी करो अपनी अच्छे से, चीजें पढ़ो, टॉपिक क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितने क्वेश्चन दुनिया भर से इधर उधर से मिले लगाओ। हम थोड़े ना मना कर रहे हैं कि जो हम क्वेश्चन देंगे वही लगाओ, हमारे क्वेश्चन ही करो, हम तो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, जहां से क्वेश्चन मिले लगाओ, ठोको नहीं ठुकेंगे तो हमसे भेजो, हम बताएंगे कैसे करना है। तो यही क्वेश्चन आते जाते हैं। अब देखिए दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, तीसरा मोलैरिटी से थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसा आता है कंसंट्रेशन से, जो बहुत बार लैब में भी यूज होता है, रियल लाइफ में भी, इक्विलिब्रियम में भी, हर जगह यूज होता है। कि सपोज करो तुम्हें क्या देगा, दो कंटेनर है, इसमें सपोज करो कि कोई NaOH का एक सॉल्यूशन है, एक्वस NaOH का, और इसकी क्या है 0.2 मोलर कंसंट्रेशन है और 20 ml इसका वॉल्यूम है। ऐसे ही क्या है, एक दूसरा कंटेनर है, उसमें क्या है 0.4 मोलर एक्वस NaOH है और जो इसका वॉल्यूम है वो भी मान लो 20 ml है, ये एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ और मुझे बताओ कि जो फाइनल ये सॉल्यूशन आएगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो बच्चे दिमाग ही नहीं लगाते, है सर सिंपल है, वॉल्यूम सेम है, कंसंट्रेशन क्या होगी, C1 प्लस के C2 इक्वल टू C, डायरेक्ट कर देंगे 0.2 प्लस के 0.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 मोलर, लो जी आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा बिल्कुल गलत होगा। जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोलैरिटी हमारी सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन किस वॉल्यूम में है, 20 ml यहां पे है और 20 ml यहां पे है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होगा तो 20 ml ये 20 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहां पे 40 ml टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, बात समझ रहे हो। तो कभी भी जब कभी तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे रखा है दो डिफरेंट कंसंट्रेशन का और फाइनल कंसंट्रेशन पूछे तो उनकी कंसंट्रेशन को ऐड नहीं करते, बल्कि उन जो सॉल्यूशन दे रखा है उनकी कंसंट्रेशन से देखते हैं कि मोल कितने हैं, भाई इसमें NaOH के मोल कितने हैं, तो 0.2 into 20 ml इसमें जो NaOH के मोल है वो होंगे 4 मिलीमोल। जब तुम्हारा वॉल्यूम ml में होता है तो हम मिलीमोल्स निकालते हैं और जब वॉल्यूम हमारा लीटर में होता है तो हम उसको मोल्स बोलते हैं, क्लियर। ऐसे ही इस सॉल्यूशन में कितना होगा 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 20, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 मिलीमोल्स। मतलब अब मुझे फाइनल सॉल्यूशन बनाना है तो फाइनल सॉल्यूशन बनाने के लिए इसके NaOH के मोल और इस NaOH के मोल इस फाइनल सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाएंगे ऐड, दोनों की क्या है सेम है। तो हमेशा कंसंट्रेशन ऐड नहीं होती, मोल्स ऐड होते हैं क्योंकि मोल्स चेंज नहीं होते। अब चाहे मैं तुमसे ये बोल दूं कि ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन है और इसमें 4 मिलीमोल है, ध्यान से सुनना इसमें क्या है 4 मिलीमोल है। अब अगर इसका वॉल्यूम मैं 1000 ml तक कर दूं, 1000 ml तक कर दूं, वॉल्यूम बढ़ा दिया और मैं फिर तुमसे पूछने लगा कि मुझे बताओ इसके मोल्स कितने हैं,
इसके मोल्स कितने हैं, तो मोल्स चेंज थोड़े ही ना होंगे, जितना अमाउंट इसका लिया था 4 मिली मोल्स, तो 4 मिली मोल्स ही रहेंगे। इसका अमाउंट बढ़ने से या इसका वॉल्यूम, मैं इसमें वाटर डालता जा रहा हूँ और फिर पूछूं कि बताओ इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स फिक्स रहेंगे लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अब देखिए 4 मिलीमोल इसके, 8 इसके, इसमें टोटल मिलीमोल कितने आ गए, 12 मिलीमोल्स। अब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, 12 बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, 20 × 20 कितना हो जाएगा, 40 ml। तो 40 ml और इसका क्या है, मिलीमोल्स, तो इससे ml से और मिलीमोल्स इनसे कट जाएगा, कैंसिल आउट कर दोगे, वैल्यू निकाल दोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी, करके देख लेना। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसंट्रेशन को कभी भी ऐड नहीं करते, उनके मोल्स ऐड होते हैं, और मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कितने टाइप का हो गया, थर्ड टाइप का क्वेश्चन अगर कंसंट्रेशन से आता है। फोर्थ टाइप का देखिए, फोर्थ टाइप का तुम्हें बहुत बार टाइट्रेशन में यूज करना होगा, इसको हम मोलैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन भी क्या होती है, M1V1 = M2V2, बहुत काम की चीज है। देखिए कैसे यूज होती है, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक HCl सॉल्यूशन है और एक तुम्हारे पास NaOH है, और सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। अब तुम्हें क्या दे रखा है कि जो HCl है इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है और ये 10 ml दे रखा है, और हमारा जो NaOH है वो 0.54 मोलर है, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना चाहिएगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। इसका वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है तब वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइट्रेशन कर्व हो या तुम्हें तीन चीज दे रखी हो, HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद HCl NaOH का वॉल्यूम कितना चाहिएगा, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे। बहुत बार यूज करते हो तुम लैब में, तो जब मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे तो M1V1 = M2V2 करेंगे और सिंपल से हम रिएक्शन कर देंगे, बात ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन करने के बाद हमें वॉल्यूम पता लग जाएगा, M1V1 एक तरफ इसका मान लेंगे, 0.2 × क्या आ जाएगा, 10 ml = M2, M2 कितनी दे रखे हैं यहाँ पे, 0.4 मोलर इंटू V2, तो V2 निकालने के लिए क्या कर दोगे, 0.2 × 10 / में कितना आ जाएगा, 0.45, तो V2 अपना कितना आ जाएगा, 5 ml आ जाएगा। तो सिर्फ हमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए 0.4 मोलर NaOH कितना चाहिए, 5 ml ही चाहिए, ठीक है। ये मोलैरिटी इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, HCl दे सकता है, एक और HNO3 दे सकता है, या तुम्हें इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एक HNO3 है, तो ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। अब मुझे बताओ कि ये कितना दे रखा है, 0.4 मोलर है, और ये भी कितना दे रखा है, 10 ml है, तो NaOH तो दोनों एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो दोनों एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इस केस में कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन बताओ। तो कुछ नहीं करना, M1V1 = M2V2, तो मतलब इन दोनों के मोल को न्यूट्रलाइज करना है इस NaOH को, तो इसके लिए कितने हमें NaOH की वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में कुछ नहीं करना, इन दोनों एसिड की कंसंट्रेशन को एक साथ करो, M1V1 प्लस के M2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3V3। भाई इधर दोनों का एसिड के मोल ऐड हो गए, या और दूसरे तरीके से देख लो और सिंपल से देख लो, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा क्या करो, एक बार इस एसिड के और इन दोनों के कंपेयर कर दो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH कितना चाहिए, इस HNO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH कितना चाहिए, फिर जो टोटल वॉल्यूम आएगा इसके लिए कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, इसके लिए कितना वॉल्यूम हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि NaOH का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है इन दोनों एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिंपल बात है, कोई दिक्कत है नहीं? तो जब भी कभी ऐसे डिफरेंट एसिड 10-15 एसिड भी दे दे, कोई बात नहीं, हर एसिड का M1V1 निकाल के देख लेना, वॉल्यूम एंड में ऐड कर देना कि इतना टोटल वॉल्यूम चाहिए। तो ये कितना हो गया, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इससे। फिफ्थ टाइप का जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है, मोलैरिटी इक्वेशन के ऊपर। फिफ्थ टाइप में क्या होगा कि जब तुम MSc में आ जाओगे
तो तुम्हें क्या होता है, H2SO4 का एक स्टोक सॉल्यूशन दिया होता है और तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ पता होती है कि 11.2 मोलर कंसंट्रेशन है इसकी, बात ठीक है। अब तुम्हें खुद से क्या बनाना है, 0.2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है H2SO4 का। क्या बनाना है, H2SO4 का ही 0.2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम अपना सॉल्यूशन बना रहे हो, तुम्हें 50 ml चाहिए कि 100 ml चाहिए। तो उस केस में तुम इस स्टोक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज करोगे अपने 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो उस केस में भी हम कौन सी यूज इक्वेशन यूज करते हैं, m1v1 = m2v2। सिंपल सी बात है। अब ये जो स्टोक सॉल्यूशन होगा, तुम्हें पता होगा इसकी गिवन होती है एक टेबल, एक चार्ट चिपका होता है लैब में, उस पे लिखा होता है हर एक एसिड की, हर एक बेस की, कि इतना स्टोक सॉल्यूशन है, इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, तो इससे अपना सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। तो सिंपल सी बात है, 11.2 × V1, तुम्हें कंसंट्रेशन खुद से कितनी चाहिए, 0.2 मोलर का चाहिए मुझे, वॉल्यूम तुम्हें कितना चाहिए, 100 ml चाहिए। अब तुम्हें इसका स्टोक सॉल्यूशन का कितना यूज करना है, 0.2 × 100 ml अपॉन में कितना हो जाएगा, 11.2, इन सेंसे कैंसिल आउट कर देना और इसका वॉल्यूम ले लेना, और जब इसका वॉल्यूम ले लोगे तो कुछ ml आएगा, बाकी अपने उसको कॉनिकल को पानी से फिल कर देना, सिंपल है। तो सॉल्यूशन इस लैब में स्टोक सॉल्यूशन इस तरीके से ही बनाया जाता है, स्टोक सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल के बाकी सब वाटर ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो जितना भी वॉल्यूम निकाले तुम्हें 100 ml बनाना है, तो 100 ml में से कि 100 ml बनाने के लिए कितना चाहिए, इसका इतना चाहिए। लेट सपोज कि इसकी वैल्यू आ रही है कि तुम्हें इसका चाहिए 5 ml, तो 5 ml तुम उसमें कॉनिकल में डालोगे, कॉनिकल भी कैसा बना दिया, ठीक है, इस कॉनिकल में डालोगे, कॉनिकल में 5 ml डालते ही बाकी इस सॉल्यूशन में क्या डाल दोगे, 95 ml इसमें क्या डाल दोगे, पानी डाल दोगे, और यहां तक मार्क लगा होता है, और लो तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया 0.2 मोलर का। इस तरीके से लैब में सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो मोलैरिटी से चाहे क्वेश्चन किस तरीके भी आए, बस तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए। बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कंसंट्रेशन ऐड करने में। एक सॉल्यूशन गिवन होगा, एक सॉल्यूशन गिवन होगा, दोनों की फाइनल कंसंट्रेशन पूछी होगी, तो उस टाइम पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन को ऐड ना करके यहां से इस सॉल्यूशन के मोल निकालो, इधर से भी इस सॉल्यूशन के मोल निकालो, दोनों मोल्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम आता है इस सॉल्यूशन का उससे डिवाइड कर दो, तब हमारी फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये काम बड़े धीरे से होता है, या तो तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो, तुमने तुरंत देख के मोल करके ऐड कर दिया। लेकिन जब भी कभी फिजिकल के क्वेश्चन करो, आराम से करो, मन लगा के, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आंसर लाना है, टिक टिक टिक। एक होता है जल्दी गलत कर रहे हो, एक होता है आराम से लेकिन प्रिसाइज बिल्कुल सही कर रहे हो। तो मुझे आंसर चाहिए, बिल्कुल आराम से करो, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो मोलैरिटी में बाकी आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आगे और चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो साथ के साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो अब तक मोलैरिटी से कोई क्वेश्चन आए तो प्रैक्टिस करके देख लेना, इससे टाइप से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेंगे, ठीक है। वेट बाय वेट से बता दिया, डेंसिटी से बता दिया, किस तरीके भी के भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। अब आती है मोलैलिटी, मोलैलिटी टर्म। तो मोलैलिटी में क्या होता है कि हम स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में रहेगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर केजी, या कभी कभी तुम्हें क्या बोल देगा कि 0.2 मोलल सॉल्यूशन है, मोलल आखिरी में एल आ रहा है, और 0.2 मोलर वो मोलैरिटी और मोलर, ध्यान रखना इस बात की। तो ऐसा क्वेश्चन होगा, तो मोल्स तो सेम है लेकिन अब हमें जहां पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है, अब सिर्फ हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी केजी में, और हम इसकी क्या निकाल देंगे, मोलैलिटी निकाल देंगे। कैसे, क्वेश्चन देखो, अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो डायरेक्ट क्या दे देगा कि तुम्हें बोल देगा कि चलो 20.7 K2CO3 है, ठीक है,
और हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है, या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल सॉल्यूशन का मास है, टोटल जो सॉल्यूशन का मास है वो हमारा 100 ग्राम है, तो मुझे बताओ कि मोलैलिटी क्या होगी। बताइए मोलैलिटी क्या होगी। सिंपल सी बात है, जब मोलैलिटी निकालनी है तो 20.7 अपॉन में K2CO3 का मोलर मास अपॉन में, अब यहां पे जो टोटल सॉल्यूशन का मास दे रखा है वो 100 ग्राम है, लेकिन हमें चाहिए किसका, सिर्फ सॉल्वेंट का मास। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 माइनस 20.7, ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास आया जो कि किसमें है, ग्राम में, लेकिन हमें चाहिए किसमें, किलोग्राम में, इंटू 10^-3। तो ये जो भी एक्स वैल्यू आएगी यही क्या हो जाएगी, तुम्हारी मोलर सॉल्यूशन हो जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है मोलैरिटी में। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि आपको परसेंटेज दे दें, वॉल्यूम परसेंटेज दे दें, जैसे मास परसेंटेज दे दे, लाइक तुम्हें बोल दिए कि तुम्हारे पास 20% ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, और मुझे बताओ कि ऑक्सैलिक एसिड की मोलैलिटी कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, 20 ग्राम है तो इसमें 20 ग्राम क्या हो गया ऑक्सैलिक एसिड, और 80 ग्राम क्या हो गया सॉल्वेंट, तो 20 अपॉन में मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन में 80 × 10^-3 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फोर्थ टाइप का क्या बन जाएगा, ये सेकंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप का आपसे बोल देगा कि 20 ग्राम K2CO3 है, या 20% ले लो, परसेंट लो कि ग्राम लो, चलो 20 ग्राम K2CO3 है और ये एक सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ मिलके 500 ml का, और जो इसकी डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो कुछ 1.4 ग्राम पर लीटर है या ml है, किसी में भी ले लेना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेंसिटी में ध्यान रखना। तो मुझे बताओ कि मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, फिर से मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए स्मॉल m इज इक्वल टू क्या करोगे, मोल्स, तो मोल्स तो तुम्हारे पास है लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कहां से लाओगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए फिर से मास निकालने के लिए क्या करोगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहां से मास आ जाएगा एक्स ग्राम, कुछ भी कोई x ग्राम मास आ जाएगा, लेकिन x ग्राम जो मास है वो पूरे सॉल्यूशन का मास है, लेकिन हमें मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। तो हम क्या करेंगे, जब भी मोलैलिटी निकालेंगे तो 20 ग्राम अपॉन में इसका मोलर मास K2CO3 का अपॉन में जितना भी सॉल्यूशन का मास आता है x ग्राम, तो x ग्राम माइनस के किसका कर दोगे, माइनस 20 ग्राम, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इंटू 10^-3, तो ये तुम्हारे पास मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही सिंपल इक्वेशन फॉलो होती है मोलैलिटी में भी, जैसे मोलैलिटी इक्वेशन होती है ना m1v1 = m2v2, ऐसे ही मोलैलिटी में भी इक्वेशन फॉलो होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मोलैलिटी मोलैलिटी इनके साथ साथ कंसेप्ट साथ के साथ बताता जा रहा हूं, तो आगे जाके तुम्हें इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीजें अगर सॉल्यूशन से तुम सीखोगे तो आगे जाके केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन टर्म में बहुत ज्यादा डील करना होता है, तो वहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सॉल्यूशन का पता होगा, क्योंकि वहां पे बहुत मिक्स करते हैं, एक HNO3 एक NOH के साथ सॉल्यूशन बनाया तो फाइनल कंसंट्रेशन की pH क्या होगी, तो pH कैसे निकालोगे, जब तुम्हें उनके मोल्स पता होगी फाइनल कंसंट्रेशन pH कैसे निकालोगे, तो वो थोड़ी कंसंट्रेशन टर्म मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस कर रही है और साथ के साथ सॉल्यूशन चैप्टर में भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं।